जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारने वाले शख्स की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नारा सिटी का रहने वाला है, जिसका नाम यामागामी बताया जा रहा है। उसकी उम्र 41 साल है। उसके पास से पुलिस को एक बंदूक भी मिली है। शिंजो आबे पर शुक्रवार को उस समय हमला हुआ जब वो भाषण दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री की हालत बेहद नाजुक है। उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया है और सांस भी नहीं आ रही है। इसके बाद अब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री का काफी खून बह चुका है।